मेरा नाम है शहबाज मलिक और मैं आज आपका इलेक्ट्रिक पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मॉस्किटो किलिंग बैट को किस तरह से ठीक किया जाए। आप देख सकते हैं आजकल यह बैट काफ़ी कॉमन है और सभी के घर में लगभग ये अवेलेबल रहते हैं, और जैसे कि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं और बड़ी ही आसानी से ख़राब हो जाते हैं। ये हो सकता है कि आप आज खरीद के लाएँ मार्केट से और एक या दो दिन के बाद यह बिल्कुल ख़राब हो जाए। तो हमने सोचा क्यों ना कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, और हमारे पास फीडबैक भी आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं कि प्लीज़ आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो इसीलिए आज हमने सोचा कि मॉस्किटो किलिंग बैट के ऊपर ही एक वीडियो बना देते हैं। तो फ्रेंड, चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी की मदद से आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। तो फ्रेंड, आप सबसे पहले अपने बैट को ओपन कर लीजिए। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि हमने यह बैट खोल रहे हैं, और इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ पर करंट आता है, जहाँ से आप अपने मॉस्किटो को मारते हैं, वहाँ पर हाथ ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पर 3000 वोल्ट होती हैं और आपको काफ़ी तेज झटका लग सकता है। इसको ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि मेनली इसके अंदर एक ही मदरबोर्ड लगा हुआ होता है। इसकी पावर सप्लाई, इसका मेन मदरबोर्ड और इसकी चार्जिंग की सप्लाई सभी इसी मदरबोर्ड के अंदर रहती है। और ख़राब भी जो कोई कंपोनेंट अगर कोई ख़राब होगा तो अधिकतर इसी के अंदर से ख़राब होता है। तो आइए मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ, बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट लगे हुए होते हैं, और अगर वह ख़राब हो जाए तो आप उनको किस तरह से चेक करेंगे, और किस दिक्कत के लिए आप कौन सा अपना कंपोनेंट चेंज करेंगे, ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो आप देखिए, ये जो रेड कलर की वायर है, ये हमारी एसी वायर है। जब हम इसको चार्ज करने के लिए अपनी पावर सप्लाई में लगाते हैं तो करंट इन रेड वायर से होता हुआ हमारे कैपेसिटर में और ब्रिज वेव रेक्टिफायर डायोड में चला जाता है, और हमारी लो फ्रिक्वेंसी वोल्टेज हाई फ्रिक्वेंसी वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाती है और फिल्टर हो जाती है। इस फिल्टर वोल्टेज को हम दोबारा अपनी बैटरी में दे देते हैं और हमारी बैटरी चार्ज होने लगती है। तो फ्रेंड्स, इतना सर्किट केवल हमारी चार्जिंग का है। तो अगर प्रॉब्लम आपकी चार्जिंग में आ रही है तो इसके लिए आप देख सकते हैं इसमें चार ब्रिज वेव रेक्टिफायर डायोड लगे हुए हैं और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इन चार और दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, आप इनको चेक करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप इन्हें आसानी से चेक कर सकते हैं। और आपको इनको चेक करना सीखना है तो हम इसके लिए पहले ही वीडियो बना चुके हैं, उन वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं। अगर अब जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अब हमारी बैटरी चार्ज है, अब हमें कोई मॉस्किटो को मारना है। तो मॉस्किटो को मारने के लिए जैसे ही हम ऑन का बटन दबाएंगे, ऑन का बटन दबाते ही येलो वायर से, बैटरी से येलो वायर के थ्रू एक करंट हमारे ट्रांजिस्टर में जाएगा, जहाँ से ट्रांजिस्टर इसको स्विच को जल्दी जल्दी ऑन ऑफ करेगा और हमारी डीसी सप्लाई को जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसको और ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देगा, उसको वर्गाकार लहरों में परिवर्तित कर देगा। उसके बाद इसको उन वर्गाकार लहरों के जो वोल्टेज होगी उसको ट्रांसफार्मर, जो कि फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसमें दिया जाएगा, जहाँ से यह इस वोल्टेज को 3000 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। इतनी हैवी वोल्टेज के लिए फिर यहाँ पर दो फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं जो उस हाई फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करेंगी, और उसके बाद इस सारे वोल्टेज को हमारे बैट में के जहाँ पर हम मच्छर मारते हैं उस पार्टीशन में हमारे जाली के अंदर चला जाएगा। और जैसे ही आप बटन दबाएंगे और कोई मच्छर उससे हिट करेगा तो उसको 3000 वोल्ट का झटका लगेगा और वह मर जाएगा। तो फ्रेंड, ये कंप्लीट सर्किट है आपके मॉस्किटो बैट का। तो अगर चार्जिंग की प्रॉब्लम है तो आप इसके राइट साइड में जो ये कंपोनेंट लगे हुए हैं इसको देखिए। जनरली जो आपका फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है ये ख़राब नहीं होता है। तो इसको आप मत चेक करें, ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है इसके ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, आप इसको चेक करें। और लेफ्ट साइड में जो फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए होते हैं वह भी बड़ी आसानी से ख़राब हो जाते हैं, तो आप इनको चेक करें। और जो ऊपर के दो स्विच लगे हुए हैं ऑन ऑफ का बीच में, और राइट साइड में जो स्विच लगे हुए हैं ये भी ख़राब हो जाते हैं, आप इनको चेक करें। तो फ्रेंड, बस यही इसका ओवरव्यू है मॉस्किटो किलिंग बैट का। और अगर आपके में कोई दिक्कत आ रही है तो जो हमने बताया आप इनको चेक करिए, और हम आशा करते हैं कि आपका मॉस्किटो किलिंग बैट आराम से बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा इसकी चार्जिंग का आइडिया दे देता हूँ। ये देखिए, हमने इसको बैट को एसी पावर में लगाया तो मल्टीमीटर में 220 वोल्ट शो कर रहा है,
अब हम यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं सर्किट में, सर्किट में भी ये 220 वोल्ट शो कर रहा है, इसका मतलब हमारी पावर सप्लाई आ रही है। तो अब हम देखते हैं कि बैटरी पर कितनी वोल्टेज जा रही है। बैटरी पर देखिए आप 4.2 वोल्ट या बैटरी के अंदर हमारी एसी कन्वर्ट होकर जा रही है, और अगर हम बंद कर दें तो 4.17 ये फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत रहेगा। तो देखिए हमारी वोल्टेज इतनी हमारी बैटरी के अंदर जा रही है, जो हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, इतनी वोल्टेज से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। अब हम इसको ऑफ कर देते हैं, ऑफ करके आप देखिए ये दिखा रहा है 4.0, इसका मतलब 4.0 ही हमारी बैटरी है ये, और इसकी चार्जिंग वोल्टेज इसकी आ रही है 4.2, तो इसका मतलब हमारा चार्जिंग का सर्किट बिल्कुल ठीक है। और अगर फिर भी आप अपना ये बैट ठीक नहीं कर पाते हैं और इसमें कोई और दिक्कत आ जाती है तो आप कमेंट करें, हम जल्दी आपके कमेंट का जवाब देंगे, या फिर आपके किसी और गैजेट से रिलेटेड, आपके कोई डीवीडी प्लेयर है, इंडक्शन, लैपटॉप, मोबाइल, या किसी और गैजेट से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या है तो आप निश्चिंत होकर कमेंट कर दें, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके कमेंट का जवाब जल्द से जल्द देंगे। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद, वीडियो देखने का शुक्रिया।